हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आज आपके लिए लेके आए हैं दो साउथ इंडियन स्टाइल नारियल चटनी और मूंगफली की चटनी। जैसे आप रेस्टोरेंट में देखते हैं ना कि डोसे और इडली के साथ मिलता है जो चटनी, बिल्कुल वही वाली चटनी है ये। और ये दो चटनी है, नारियल की चटनी है और मूंगफली की चटनी है। चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं रेसिपी बनाऊँ ना तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए। ये देखिए नारियल की चटनी, और ये हम शुरू करते हैं। एक ब्लेंडर में मैंने ये ताज़ा नारियल लिया है, ये करीबन आधा कप ताज़ा नारियल है, हल्का सा काट लिया है मैंने इसको। मैं यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली इसको मिलाऊंगी। और ये देखिए यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब रोस्टेड मूंगफली ली है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये चना दाल, आप चाहें तो भुना चना भी ले सकते हैं। ये मैंने भीगा हुआ चना यूज़ किया है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए। ये मैं एक बड़ी हरी मिर्च मैंने इसमें मिला रही हूँ, और ये थोड़ा सा कड़ी पत्ते हैं, मेरे पास सूखे कड़ी पत्ते हैं, बिल्कुल फ्रेश कड़ी पत्ते नहीं हैं, इसीलिए मैं सूखा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जीरा भी मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे एक मैंने ड्राई चिली यूज़ करी है, और इसके ना अंदर से सीड्स मैंने निकाल दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ छाछ, और उतना ही छाछ मिलाना है जितना इसमें ज़रूरत हो, पानी की जगह आप छाछ मिलाइए। ये देखिए, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद ये थोड़ा सा टेक्सचर देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये मेरी बन गई है नारियल की चटनी। ये देखिए, अब इसको एक अलग कटोरी में निकाल लीजिए, और इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कीजिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, और कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए, ये मेरी नारियल की चटनी तैयार है। बस अब इसमें तड़का मारना रह गया है, तड़के की भी अभी दिखाते हैं आपको। बस मुझे ये था कि मैंने नमक नहीं डाला था, तो आप नमक का ब्लेंडिंग करते टाइम ही डाल दीजिए, वरना चाहें तो आप इस तरीके से बाद में भी डाल सकते हैं। ये देखिए हो गई ना तैयार। ये देखिए इसका टेक्सचर देखेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा ढीला सा है। ये देखिए, चलिए इसके तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच घी लिया, और मैं इसमें ले रही हूँ ये सरसों का बीज, और इस तरीके से इसको मैं मिला रही हूँ। और ये ना बिल्कुल चटचट आवाज़ आनी चाहिए, इतना तेल गरम होना चाहिए। थोड़े कड़ी पत्ते मैंने लिए हैं करीबन 7 से 8, और एक ये लाल सूखी मिर्च। ये देखिए, ये इसको बिल्कुल इस तरीके से चटचट आवाज़ आनी चाहिए। अब जब बिल्कुल ये ना ऐसे चटचट आवाज़ आने लग जाए ना, और इसको जलने से पहले इसको आप उठा लीजिए, और जो ये मेरा चटनी है नारियल की, मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से आ रहा है ना टेक्सचर, इसको थोड़ा पास से देखिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिला लिया हल्का सा, और ये तैयार हो गई है। अब ये देखिए मेरी मूंगफली की चटनी, और मैं इसमें रोस्टेड मूंगफली यूज़ कर रही हूँ। करीबन 1 कप के करीब है ये, 1 कप से थोड़ा कम है ये, रोस्टेड वाले मैंने यूज़ किया है। और मैं यहाँ पे थोड़े से इस तरीके से भुना चना यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ थोड़ी सी मैंने ली है एक छोटा सा टुकड़ा लाल मिर्च का, और ये थोड़ा सा हरी मिर्च का, ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, और हल्का सा नमक। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा स्पाइस भी डाल दीजिए। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा मिलाया है, और हल्का सा मैं पानी मिलाऊंगी। यहाँ पे मुझे मट्ठा नहीं मिलाना है, यहाँ मुझे पानी ही मिलाना है, तो मैं यहाँ पे पानी मिला के अब इसको अच्छे से ना ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए अब ये ग्राइंड हो गया, और इस तरीके से ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है ना ये बिल्कुल मूंगफली की चटनी तैयार हो गई है। इसको मैं दूसरी कटोरी में ले लेती हूँ, और ये देखिए हल्की सी लालीपन है इसमें। और ये देखिए ये भी वही टेक्सचर की बनी है जैसे हमने नारियल की चटनी बनाई थी, उसी टेक्सचर की आप मूंगफली की चटनी बनाएं। इसकी तड़का तैयार करते हैं, थोड़ा सा अलग तड़का होता है इसमें। मैंने यहाँ पे थोड़ा तेल ले लिया है, और यहाँ पे मैं एक लाल सूखी मिर्च मिला रही हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप लाल सूखी मिर्च तड़के में ज़रूर मिलाएं। यहाँ मैंने सरसों के दाने यहाँ पे मिला रही हूँ, और अब मैंने यहाँ पे 5 से 6 कड़ी पत्ता मिलाया है। मेरे पास सूखा है तो मैं सूखा यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, थोड़ा सा लाल मिर्च,
ताकि बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाए इसमें। और इसको थोड़ा सा ना चटकने दीजिए, ये देखिए हल्का हल्का सा ही चटकने लग गया है, ये देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपीज़ में लेके आने वाली हूँ। अब ये देखिए ये टेम्पर इसका तैयार हो गया है और मैं इसमें ये सारा तड़का मिला रही हूँ, ये देखिए। इसको भी हल्के से इसको मिक्स करेंगे और ये मेरी दोनों चटनियाँ तैयार हो गई, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई। अब आप इसको इडली के साथ, डोसे के साथ, वड़े के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।